जी नमस्कार प्रणाम स्वागत बा सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 MHz रेडियो सानवी 96.4 MHz पर कार्यक्रम अपने सुन रहल बानी स्थानीय सरकार। अब से हरेक दिन अपने सुनत आइल बानी स्थानीय सरकार सजिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार और डायरी के बाद 6 बजे तक कार्यक्रम स्थानीय सरकार में हमने स्थानीय स्तर के बातचीत करनी सन और खास करके जनता से जुड़ल मुद्दा सब के बारे में चर्चा परिचर्चा करनी सन। वही तरह आज भी एगो विषय पर चर्चा परिचर्चा करे के खातिर उपस्थित बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल प्रविधि ओर से बानी हमनी के सानू जी। जी आज हमनी खास करके चर्चा करेम सन संसद विघटन के संदर्भ में और संसद विघटन काहे भइल एक जरूरी रहे कि ना रहे और विघटन भइला बाद अब का हुई एक बारे में हमने जानकारी लेम सन। खास करके हमने के आज के जे अतिथि बानी पूर्व राजदूत एवं राजनीतिक विश्लेषक विजय कांत कर्ण वहाँ से आज हमने बातचीत करम सन कि अब देश में का हुई संसद विघटन हो चुकल बाटे और विघटन के बाद आम जनता या फिर राजनीतिक दल के जौन कार्यकर्ता लोग बा उ लोग सड़क में उतर चुकल बा। लोग विभिन्न जगह जगह पर आंदोलन भी हो रहा बा खास करके संसद विघटन के विरोध में। जी हाँ और संसद विघटन भइला के बाद का होई कह के हमनी सुननी असन और आज संसद विघटन भी हो चुकल बा। खास करके संसद विघटन भइला के बाद देश में राजनीतिक अवस्था कैसन होला और का होई एकरा विषय पर चर्चा करे के खातिर हमनी के साथ में बानी राजनीतिक विश्लेषक आ पूर्व राजदूत समेत रह चुकल बानी विजय कांत कर्ण जी। वहाँ से हमनी बातचीत करम सन खास करके अब देश के अवस्था कैसन होई एकरा बारे में और वहाँ से हमनी के फोन संपर्क भी हो चुकल बाटे फोन संपर्क में भी आ चुकल बानी हमने वहाँ के वहाँ से बात करम सन। खास करके जब ही संसद विघटन भइल बा तो एक विषय में हम अपने के बता दें कि 7 गो मंत्री जे बा लोग खास करके वो मंत्री लोग सामूहिक राजीनामा भी दे चुकल बा लोग। जैसे कि राजीनामा देवे वाला में शिक्षा मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन, कृषि मंत्री घनश्याम भूषाल, पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई, वन मंत्री शक्ति बस्नेत, श्रम मंत्री रामेश्वर राय यादव आ खाने पानी मंत्री बीना मगर। ये 7 गो मंत्री लोग राजीनामा देले बा लोग खास करके ये संसद विघटन के विरोध करत और अब राजनीतिक अवस्था देश के कैसन हुई एक बारे में हमने चर्चा करम सन जानकारी लेम सन हमने के आज के अतिथि पूर्व राजदूत एवं राजनीतिक विश्लेषक विजय कांत कर्ण जी से। वहाँ हमने के संपर्क में भी आ चुकल बानी। सर अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब संसद विघटन हो चुकल अवस्था बा खास करके एकरा बाद राजनीतिक अवस्था कैसन हुई देश के। पहले तो सबसे पहले का बात बाजी संसद विघटन दू आदमी देश के सबसे आपराधिक काम कैलक विद्या देवी भंडारी और खड़क प्रसाद ओली जी। दोनों संविधान के विरुद्ध में लोकतंत्र के विरुद्ध में वही से ये लोग के दू जगह अदालत में खड़िया होगी। एगो तो न्यायालय जोन बा वहाँ दोसर जनता के अदालत में जी जी। ये दोनों अपराध कैल सन जनता के मैंडेट के विरुद्ध में संविधान के विरुद्ध में। अपना लगे कुछ बात है कोई गर्दन काटत फिर छोटी मिलल बात वो तरह से दोनों आपराधिक कार्य के दू गो अपराधी लोकतंत्र के अपराधी और संविधान के भी अपराधी। तो ये दोनों के कार्रवाई हुई। अब दोसर बात कहबा जी में दू गो बात बा नेपाल के संविधान न राष्ट्रपति के न प्रधानमंत्री के संसद विघटन करे के कोनो अधिकार नहीं खेते जी जी।
वही से ये गलत काम है संविधान के रूप से, राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से, ये तीनों रूप से ये काम गलत। अब रह गए तो प्रश्न बाजे आगू के राजनीति का हो, एक दो तीन गो पहलू बा। जी जी, एगो तो सड़क से एक प्रतिरोध हुई हो भी रहा बा, हो भी रहा बा, शुरू हो गए बा। सबसे इंटरेस्टिंग बात बा जे खड़ग प्रसाद ओली जो ना पार्टी के अध्यक्ष बने, जी जी, वही पार्टी के बहुमत सदस्य, सांसद सदस्य, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा के, केंद्रीय कमेटी लगा, सब कमेटी के लोग एक विरोध कर रहा बा। जी जी, दूसर नेपालियों कांग्रेस विरोध कर रहा बा, तेसर में जनता समाजवादी पार्टी, भी पार्टी और सब पार्टी नेपाल के जितना राजनीतिक दल बा कोई एक सपोर्ट नहीं कर पाए। जी ठीक, जी जी, तो ये मूव के सब लोग विरोध कर लेगा। एक विरोध के तीन गो आधार पर, पहला आधार जो गैर संवैधानिक बा, संविधान में कहूं नहीं के लिखल जो प्रधानमंत्री संसद विघटन कर सकता, ये भारत के संविधान ना, ब्रिटेन के संविधान। दूसरा राजनीतिक रूप से, जी जी, प्रधानमंत्री के विरुद्ध में 83 को अपने पार्टी के सांसद 4 दिन पहले राष्ट्रपति यहाँ संसद के विशेष अधिवेशन बुलाओ खेत्र गए। जी जी जी, और सब लोग कितना दिन से बोलता जो संसद विघटन ने की कह सकत रहुआ, वही है राजनीतिक दल, उनका अपने पार्टी के लोग, उनका अपन कमिटी के लोग सब कर रहा बा, उसे राजनीतिक रूप में भी गलत। तीसरा आधार बा नैतिक और लोकतांत्रिक। जी, लोकतंत्र के मजबूत आधार संसद और जनता, जनता की इच्छा विपरीत, जी जी, जो जनता के प्रतिनिधि संसद में ओकरा इच्छा विपरीत कोनो भी काम कर जाए तो नैतिक रूप से भी गलत वाला। ये 3-4 गो आधार पर ही गलत बा। वही से पहल का तो सड़क से प्रतिरोध हुई हो रहा बा, शुरू हो गए। दोसर एथी में क्या न हो जाए, राष्ट्रीय सभा में। जी जी, तीसरा न्यायालय में। जी, न्यायालय में तो जैसे कि अब विघटन हो गए, मुद्दा न्यायालय कौन तरीके से देख सकता, न्यायालय का अधिकार गैर संवैधानिक कदम, संवैधानिक हो कि ना हो ये देखे के तो न्यायालय का अधिकार बा। न्यायालय में संवैधानिक जो अदालत बा, सर्वोच्च अदालत में एगो संवैधानिक अदालत बा जो प्रधान न्यायाधीश के अंडर में काम करेला और प्रधान न्यायाधीश से होकर गठन करेला, तो संवैधानिक अदालत के अधिकार बा जे एकर संवैधानिक कदम हो कि ना होकर जांच पूछ करे, तो न्यायालय यहूं एकर जांच को सकता। जी जी जी, सड़क में विरोध हो रहा बा, राजनीतिक रूप से विरोध हो रहा बा, लोकतंत्र के पक्ष में रह वाला नागरिक समाज, मीडिया, जी जी, और उकरा बाद में और भी जितना भी व्यवसायिक संगठन बढ़सन सब एक विरोध में बढ़सन। सबसे इंटरेस्टिंग बात बा जी, जौना पार्टी का अध्यक्ष होवन खड़ग प्रसाद ओली जी, जी जी, वह पार्टी विरोध में के भी अधिकांश व्यवसायिक संगठन में जहाँ वर्चस्व बा वो विरोध कर रहा है, अर्थात एकर अगला कदम ये हुई, सड़क से प्रतिरोध हुई और ये दूगो अपराधी लोग विद्या देवी भंडारी, जी जी, और खड़ग प्रसाद ओली के विरुद्ध में यहाँ आंदोलन हुई और अदालत एक फैसला करी। जैसे कि फैसला फैसला हो जाए या फिर ये लोग दोषी पावल जाता लोग, तो खास करके कैसन कार्यवाही हो सकता? पहला कार्रवाई तो है प्रधानमंत्री के पदच्युत करे के संसद से और राष्ट्रपति के महाभियोग लगाओ। जी, ये दोनों भइला के बाद में राष्ट्रपति के जौना अपराध क्षेत्र महाअभियोग लगावल जाला ऊपर अदालत में जाके मुद्दा चढ़ेला, जी, तो अख्तियार दुरुपयोग हो गए, तो अदालत फैसला कर सकता है संविधान के फलना धारा के अंतर्गत तू अपराध संविधान के विरुद्ध में काम करे खतरा करे वाला के अदालत में, जी, कानून में संविधान में व्यवस्था बा संविधान के विरोध कैला पर सजा हो सकता, वो आधार पर हुई। दूसरी राष्ट्रपति जो ने वो संविधान के रक्षक गैर संवैधानिक काम कैले बड़ी, अनैतिक काम कैले बड़ी, ये महिला के लगे कोनो नैतिकता बा आना कोनो अस्तित्व बा महिला के, ये महिला एकदम एगो कठपुतली लेखा जे मन करता से करे के,
बताओ ये कौन नैतिकता भाई महिला के, आज से 5-5.5 महीना 6 महीना पहले अध्यादेश आये, वो अध्यादेश 5 दिन में फिरता भर फिर वह अध्यादेश ले आ देवे। तनका तो दिमाग सोचे के चाहत रहे, तनका तो मन मस्तिष्क में यही बात ही गलत हो, ये काम ना करे के कह के। संविधान के रक्षा करे वाला आदमी संविधान के भक्षण करे लगी तो ओकरा खतरा अदालत, पार्लियामेंट और पीपल, तीन गो में जाके बहस हो, तीनों अगर फैसला करे। जी प्रधानमंत्री ओली के संसद विघटन के प्रस्ताव सिफारिश करे के अवस्था काहे आई रौरा का देखनी? देख कहने बा जे भाई साहब के संसद में अल्पमत में हो गए, अपना पार्टियों में अल्पमत हो गए, अपना पार्टी के सब कमिटी में एको तिहाई ना रह गए इनके लगे। अब 83 आदमी तो सही करके दे रहे जी जी, आज उस 7-8 को मंत्री लोग शायद राजनामा दे रहे, सात जाने दे दे लख लो, दे दे लख जी दे दे लख लो, 90 को होन गए 160 में 90 आदमी तो देखा गए प्रष्ट रूप से। जी 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 है? तो अब ये अवस्था में महिला चाहे प्रधानमंत्री के नैतिक रूप में अर्थात इनकर स्थिति ये हो रहा कि इनका में शुरू से तानाशाही प्रवृत्ति रहे, अधिनायकवादी प्रवृत्ति, मीडिया के कंट्रोल करें, सड़क के कंट्रोल करें, का कह जाला सदन के कंट्रोल करें, सब जगह इनकर तरीका रहे जे कि हूँ नहीं का कह जाला लोकतंत्र के नियंत्रित लोकतंत्र कर व्यवस्था करे। लेकिन भाई साहब के अवस्था सदन में सब बिल ना पास भेल, अगर मीडिया में पास भेल रहे मीडिया काउंसिल बिल तो हमें बतिया सकत रही ना, 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 ना। तू हमरा संगे पूछ सकत रह हो ना, ना, ना। तो तू तो, 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 तो जेल में हम जैती जेल में पहले गई रही मानी 37-38 साल में फिर जाके पड़ जाये जी हाँ कि ना जी जी ते का बाजी जितना जंगे और बिल सब बा सदन में ले रहा हूँ विधेयक सब शुरू से इनका में अधिनायकवादी प्रवृत्ति रहे, अहम रहे, बाप रे बाप हमरा बीपीओ कोई रला से लमर हो गई जी जी क्या कह जाला जो हम केकरो से लमर हो गए नी हमरा से बड़का के बा इनका में जन अहम और जिद्दी पनाए रख जी जी ओकरे परिणाम हो। सबसे बड़का गलती नेकपा कैले बा, ये आदमी अपराधी है, गलत काम कर रहा बा, आज 3 बरस से गलत कर रहा बा, एकरा के शुरू से नियंत्रण करे के काम ये पार्टी वाला लोग ना कर, वही से ये अवस्था यानी कि पार्टी भीतर भी समस्या भई लोग ना पार्टी के ऐसन ऐसन काम कर ले पार्टी विरोध में लोकतंत्र के विरोध में तो नेकपा एमाले चाहे नेकपा माओवादी लोकतंत्र के विरोध में लोकतंत्र के विरोध में जी का कह जाला जे लोकतंत्र के लड़ाई में ओहू लोग के योगदान बा, संविधानो बनावे में योगदान बा जी जी, आज लंबा समय से राजा के विरुद्ध में लड़त आयल पार्टी बा, तो पार्टी के नेतागण खास करके माधव नेपाल जी, प्रचंड जी, बामदेव जी, जलनाथ जी और ही लोग बा जे बहुत लंबा लड़ाई लड़ के आयल, वो लोग के का करे चाहते रहे इनका के पहले ही हटा देवे के चाहते रहे, इनका पर बारंबार विश्वास क के जी पार्टी फोड़िए क के डर के मारे तो हम डरे डरा तने तू लाजे हम लाजे लाजा तने तू डर डरवाओ तर उड़ा को जाला गुहा में जी 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 तोने हाल हो गए कि गलत काम रखे लोग के पहले पूछ जाए के चाहत रखा 8 महीना पहले ये लोग के समझ में आवे के चाहत रखा कि ये आदमी गलत है, ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी बा, ये गलत गलत काम करता, ये अपना के राष्ट्रवादी भारत के विरुद्ध में मदेश के विरुद्ध में राष्ट्रवादी बन गए, चीन के संगे दुनिया समझौता के लग जनता के कौन माल जानकारी न देवे के, भ्रष्टाचार में इतना डूबे के व्हाइट बॉडी से लेके ऑप्टिकल फाइबर का कहल जाला जी पोखरा एयरपोर्ट से लेके विभिन्न कांडे कांडे इतना लोग मरत रख एथी में मरत आदमी कोरोना में जी जी। वो कोरोना काल में ये आदमी अरबों खरबों रुपया बेईमानी करके कमात रहे भ्रष्टाचार जनता के खून से, जनता कितना अमानवीय आदमी बाज, जनता के खून से ये आदमी पैसा कमावे के कोशिश कर
आज नेपाल में 2000 से बेसी लोग मर गए जो प्रत्यक्ष जानकारी में अप्रत्यक्ष रूप में हजारों लोग मरल हुई। जी जी। कितना लोग नौकरी से विहीन हो गए, बहुत लोग, कितना फैक्ट्री कल कारखाना बंद हो गए, लेकिन एकर कोनो चिंता नहीं के सत्ता के लड़ाई में लिप्त रह के बस वही से ओहो लोग के गलती बा एक पहले ही चीन जाए के चाहते रहे। भ्रष्ट है, इतना खराब आदमी बा, राष्ट्रपति के प्रयोग करके कुछ कर सकता, ये बारे में वो पार्टी ध्यान ना पहुंचल बहुत बड़ी गलती। यानी कि समय पर ना बुझल गए जे के चलते आज ये अवस्था आई बद देश के। हाँ तो उगवन करी ना कह जला अंगूरी पकड़ के दल रही तो गर्दन पकड़ ले लग, तब समझ में आई जे हाई दादा तो गर्दन था बताओ। जी अब जैसे कि अब संसद विघटन भइल के अवस्था बा, चुनाव के मिति भी तुका गई बा, अब खास करके पहलू बहुत बेर तीन चार बेर पहले विघटन के अदालत अदालत गैर गैर संवैधानिक डिक्लेयर कैले बा 2047 के संविधान में। जी जी। कहियो मान्य हो गेल बा, कहियो अमान्य हो गेल बा, आई संविधान में तो इनका अधिकार नहीं है। यानी कि ये अधिकार नहीं है तो जैसे कि अब एकरा के खारिज या फिर एकरा के विघटन के प्रस्ताव के खारिज करे के अधिकार न्यायालय लगे बा, अदालत के लगे बा, अदालत के लगे। यानी कि अभी तो कहीं ना कि एक बेर चुनाव पर 17 या 27 के चुनाव एक बेर तोकाइल बा, ऊपर चुनाव होके के स्थिति अभी भी कुछ अभी बात अभी भी बाकी बा। नहीं अभी तो बहुत बात बाकी बा, अभी तो खेल शुरू है, खेले नहीं 6-7 महीना से 8 महीना से चलत रहा। जी जी जी, लोकतांत्रिक विवाद के चलते क्लाइमेक्स में पहुंचल बाजू बोले, अभी तो खेल अगड़ी बाकी बा। अभी अभी संसद विघटन के अगर अदालत घोषणा करे तो भाई साहब के इनका गर्दन पकड़ के लोग निकालना दी वहां से, ये हो सकता। वही से मतलब कि बहुत बड़ा अलोकतांत्रिक कदम था, लोग के इतना बड़का त्याग तपस्या। जी, दू तिहाई बहुमत रहे नेकपा के। हाँ जी, ना नु पचेला ना हमने ओरी कहल जाला कुकुर के घी ना पचे। नेपाल में सत्ता से के जोन पहाड़ी राज्य सत्ता बा, ये लोग के सत्ता में टिकते मात्र बुझाला जो गर्म कुर्सी में करंट ला के ऊपर आकाश पहुंच जाला, लोग नीचे देखवे कर वही से ही हाल हो। जी, अब जैसे कि और हमेशा आपराधिक कृत्य ही है नेपाली कांग्रेस 2051 साल में, सिंपल मेजोरिटी रहे नेपाली कांग्रेस के, कांग्रेसी के लोग अपने में झगड़ा कर खत्म कर दलो, फिर बाद में सरकार बनल रहे शेर बहादुर देवबा और गिरिजा प्रसाद जी के बीच में झगड़ा होके खत्म हो, आज ये हाल हो गए। यानी कि देश में बारम्बार ऐसा समस्या आवत गई बाटे और हमनी के देश कही ना अभी तो दू तिहाई बहुमत रहा, फिर भी दू तिहाई के सरकार जो रहा लगभग लगभग उ भी सरकार 5 वर्ष पूरा ना टिके सकल, अब संसद विघटन के अवस्था आ गए। अब राजनीतिक संस्कार जो बन राजनीतिक संस्कृति एक दिन में ना बनेगा, सैकड़ों वर्ष में बनेगा। नेपाल के राजनीतिक संस्कृति में अस्थिरता एक कैरेक्टर जी, लूट खसोट मतलब पावर में गनी तो कुर्सी पर बैठते मतलब लूटे लगनी, ये सब कैरेक्टर आज की बात ना हमेशा से, तो वही सब कारण से जनता तो कहियो प्रायोरिटी में नहीं क्या, जनता वोट दे दिला करा जो हम ही मालिक, अब हमारा जे मन कर हम करें 5 बरस, अब देख रहे ना कहले तो हम भंग कर दे। जी, यह अवस्था के कारण से यह अवस्था उपस्थित भइल बा, और खास करके हमारा आजू के दिन बहुत खराब दिन, लोकतंत्र के लड़ाई में हजारों आदमी अपन त्याग तपस्या दल भाई, गणतंत्र खतरा, संहिता खतरा, मानव ये देश के मौलिक अधिकार खतरा, ये सब खतरा हजारों लोग अपन तपस्या कैले बा, बहुत लोग जान गुमेले बा, बहुत लोग जेल बैठल बा, कहल जाला जी सबके मूल्य मान्यता के लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता पर विश्वास न करे के, खड़क प्रसाद ओली कहियो लोकतंत्र में विश्वास न करे, कहियो कोनो आंदोलन में भागो न ले रहे। जी जी जी। हाँ, कहियो आंदोलन झापा आंदोलन में तो नाम आवे ना, ना झापा आंदोलन में तो रहे विद्रोह कितना दिन को 15 दिन में सब हिसाब किताब बराबर, ये तो चल रहा एक काबिल जी जेल में रह गए अपना घाय पकड़िया में नेता बन गए, आई क्या कहल जाए एक
अपना के नेता बन गए कई लोकतंत्र राजा टेक ओवर के लिए रहे थे आंदोलन में ना रहे राजा के सरकार में जात रहे जी। एक राजा अगर उसे प्रधानमंत्री या सीनियर उप प्रधानमंत्री दे दल रहे चल गए रहे ये आदमी ना आंदोलन में रहे ना ये आदमी के कही सब पर विश्वास बा तो का भेल 2015 में मधेश आंदोलन भेल का कहल जाला जो आंदोलन के विरुद्ध में लोग के पहाड़ में बुझाइल जो बाप रे बाप एगो बड़का भारी राष्ट्रवादी नेता बन गए मधेश के विरोध करके और भारत के विरोध करके नेता बन गए बुझा कि ना जी जी। आ एक में कुछ ना ना एक में क्षमता नहीं खेनू एक निर्णय करे के क्षमता बा न प्रधानमंत्री लायक के पद में योग्य आदमी के महा सक्षम अकर्मण्य और भ्रष्ट आदमी ऐसा आदमी के प्रधानमंत्री बना दलक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओकर तो दुर्दशा भोगे के नहीं पड़ी हो गाँव में एगो प्रधान पंच हो जाला बदमाश तो गाँव भर के लोग हैरान कर रहे जी जी जी। आई तो प्रधानमंत्री हो गए पूरा देश के होने से चोर रास्ता से क्योंकि कुर्सी पर टिकल रही तो बुझाता वो हमारा कहियो बन ना दिए सन जी हमारे तो खेले खत्म हो गए खास करके अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता हो गए रहे उ समय भी वहाँ के लगभग अब तो खेल खत्म हो गए कह के पचास पचपन गो सांसद बड़ा सन एक संग 275 में जी जी 50-55 गो सांसद बड़ा सन एक लगे एक कथी बा पूछो ना आदमी के लय लय में लोग के भावना में बह के भारत के विरोध में और मधेश के विरोध जी मधेश आंदोलन के विरोध में ई बन गेल नेता जी 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 पहाड़ में लोग को बुझाएल जी बाप रे बाप बड़ा नेता मिलल आई आदमी खत्म राष्ट्रवादी बात कर दलक आज देख लो 3 वर्ष में देश कहाँ से कहाँ पछाड़ी चल जी। अब जैसे कि अभी भी अभी हम अपने के जानकारी दी कि नेकपा के स्थायी कमिटी के बैठक के निर्णय भी सार्वजनिक भइल बाटे असंवैधानिक कहल गेल बा स्थायी कमिटी के निर्णय द्वारा भी निरंकुश ठहर करत भर्सना भी करे के अनुशासन के कार्रवाई करे के भी नेकपा के अभी जौन ओराइल स्थायी कमिटी के बैठक के निर्णय रहल बाटे तो इससे का अब ओली पर साधारण सदस्य निकाल दिए यानी नेकपा में तनको इज्जत उज्जत बाकी बा इनका के तुरंत साधारण सदस्य निकाल दे जी जी। विजय सर अब हमने कार्यक्रम के अंत अंत बानी सन खास करके अब राजनीतिक अवस्था ऐसन बा देश के हमने भी जानकार उतना नहीं सन खास करके जनता भी हमने के श्रोता भी उतना जानकार नहीं के अब देश के अवस्था खास करके राजनीतिक अवस्था कैसन हुई हम कहें नेपाली जनता के एक प्रतिरोध करें नेपाली जनता हमेशा लोकतंत्र खतरा लड़त आयल बा जी मधेश के जनता भी लोकतंत्र खतरा मानवाधिकार खतरा लड़त आयल बा एक प्रतिरोध करे के पड़ी राजनीतिक दल के नागरिक समाज के मीडिया के और व्यवसायिक संगठन सब के और संगठन और सबसे बड़का बात बा राज्य के यंत्र जितना बढ़ सन सब एकर आदेश पालन न करे के चाहिए अभी के समय जी और लोग के कर बुझाइल बंद कर देवे के चाहिए जनता के कर से ही चल रहा सरकार कर बुझावल बंद करे के चाहिए कानून एकर का इस सरकार का आदेश पालन बंद कर देवे के चाहिए और एक विरुद्ध में शांतिपूर्ण ढंग से हम एक बेर न 3 बेर का हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिरोध करे के चाहिए और एकर कोनो उपाय नहीं और न्यायपालिका जो न्यायालय के एगो संविधान के रक्षक बा हम आशा करते हैं ई काम के न्यायालय खारिज कर दी निर्णय के जी यानी कि खारिज करी अपने के आशा बा जी। हाँ बहुत आशा बन जी सर अंत अंत में हमने बानी सर अदालत के आदेश से 3-3 बेर जेल से छूटल बनी जी जी तो हम आशा न कर यद्यपि की हमारे अदालत के बहुत सारा निर्णय पर हमारे रहला हम विरोध में बोलले बानी लेकिन हमरा कबो कबो हमरे यो लागेला जे हम अदालत हमेशा गलत ना होला कबो काल के गलत भी होला लेकिन फिर भी ए में हम आशा करतानी जे अदालत सही निर्णय करी संवैधानिक निर्णय करी
और संविधान के रक्षक। जी जी विजय सर, हमने के निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। अपने कार्यक्रम में आईनी रेडियो सानवी के तरफ से बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुता नाम टोनी के सब लोग के टीम के धन्यवाद। जी हमरा के बोले के मौका मिलल वो अपना भाषा में वीरगंज के आदमी वीरगंज के लोग। जी जी सबसे निमन बात, सबसे खुशी की बात, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। वहाँ रहनी है हमने के राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्व राजदूत भी रह चुकल बानी वहाँ विजयकांत कर्ण सर रहनी है। वहाँ से हमने बातचीत कैने सन आज खास करके संसद विघटन हो चुकल बाटे, ये अवस्था बाटे नेपाल के राजनीति में, साथ में संसद विघटन भैला के बाद देश के अवस्था, राजनीतिक अवस्था कैसन हुई, जगह जगह में एकर विरोध भी शुरू हो चुकल बा। बारा में, परसा में भी, कलिया वीरगंज में भी आज विरोध भैल का, खुद नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता लोग ही एकर विरोध में बाटे लोग, और खास करके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बहुमत सदस्य भी एमे विरोध कर रहा बा लोग, केन्द्र तह के केंद्रीय तह के नेता से लेके आम कार्यकर्ता तक भी एकर विरोध में बाटे। अब अवस्था कैसन हुई देश के, राजनीतिक अवस्था कैसन हुई, देश कैसे चली, एक बारे में हमने के जानकारी देते रहनी है विजयकांत कर्ण सर, राजनीतिक विश्लेषक रहनी है। वहाँ से हमने जानकारी लेने सन कि अवस्था का हुई एक बारे में। आज के खातिर निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से हमने दोसर अतिथि दोसर विषय के लेके उपस्थित होकर के वादा करते सन। तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देने अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देते। राम मंडल के विदा दी, नमस्कार।